अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स. मैं जुलेखा अरफात फ्रॉम जुलेखा किचन से. चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ वड़े, हरी मूंग दाल के वड़े. आप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, हरी कोथमीर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, या शेजवान चटनी के, या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो. चलिए देखते हैं उसके इंग्रीडियंट. के हरी मूंग छिलटे वाली, इसे मैंने एक हरी मूंग छिलटे वाली को तीन पानी से धोकर भिगा दिया था दो तीन घंटे पहले ही. आपको दो तीन घंटे पहले भिगा के रख देना है, एटलीस्ट 2 आवर्स तक भिगा के रखना है फ्रेश वाटर के अंदर. ये 1 टीस्पून जीरे अक्खा जीरा है, ये 4-5 हरी मिर्ची है, आपको आपके स्वाद अनुसार लेनी है कितना स्पाइस चाहिए. ये 7 से 8 कली लहसुन की है, ये नमक स्वाद अनुसार है, और तेल फॉर फ्राइंग, डीप फ्राई करने के लिए तेल चाहिए. अब हम शुरू करते हैं आगे का प्रोसीजर. एक मिक्सर जार के अंदर लहसुन डालिए, सारा हरी मिर्ची डालिए, और अगर ज्यादा हरी मिर्ची डालनी है तो आप डाल सकते हो, और ये जीरे का अक्खा जीरा डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए. चलिए देखते हैं ये किस तरह, देखिए ये ब्लेंड हो चुका है एकदम पूरी तरीके से, उसे एकदम मिक्स नहीं करना है, ऐसा मोटा मोटा थोड़ा रहना चाहिए. इसे निकाल लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए एक प्लेट के अंदर या एक बाउल के अंदर. देखिए मैंने सारा निकाल लिया है इसके अंदर. ये मैं ऊपर ऊपर से ये जो हरी छिलटे जो हैं इसको थोड़ा निकाल देती हूँ, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, जो आपको ऐसा लग रहा है दिख रहा है. मैं इस तरीके से थोड़े निकाल लेती हूँ रफली, ऐसा जरूरत नहीं है, पर तो भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो. और इसे मैं ड्रेन कर लेती हूँ. ये देखिए मैंने सारा नितार के रख दिया है छन्नी के ऊपर. अब मैं इसे, अब ये सेम जार के अंदर आपने है ना ये जो ये है दाल है उसको आपको पीस लेनी है. अब इतनी भी नहीं पीसनी है कि आप बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट हो जाए. अब ये जो सेम वही जार के अंदर मैंने डाला है तो वही जार यूज करना है आपको. चलिए मैं ढक देती हूँ और अब सिर्फ थोड़ा सा ही इसे हम घुमाएंगे, बस दैट्स ऑल. ये देखिए, हाँ बस इतना ही चाहिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हैं. अब ये वाले को इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए और दूसरे बाकी के सारे बैचेस को आप इस तरीके से ब्लेंड करते जाइए. ये मेरा लास्ट बैच है. आपने देखा कि मैंने पानी नहीं डाला, आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है. अच्छा, अगर लास्ट वाले बैच में ज्यादा ना बचा हो तो आप क्या जो ग्रिंड करके रखे हैं, जो इसको आपने पीस के रखे हो, ये थोड़ा सा डाल दो सो दैट वो ब्लेंड हो जाए. और फिर एक थोड़ा सा ही फ्यू सेकेंड्स के लिए आपको डालना है, फिर आना है मिक्सर को. ये देखिए आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी मेरे इसकी, ये देखिए, देखिए आपने, इस तरीके से कंसिस्टेंसी चाहिए हमें. अब ये देखिए ये प्रिपेयर हो चुका है, ये मैंने पूरा पीस लिया है और इसमें अभी डालना है नमक स्वाद अनुसार. और ये जो हमने प्रीवियसली पीस लिया था लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा, अच्छा अब आपने ये किया है कि अगर आपको चाहिए तो आप साथ में भी पीस सकते हो दाल के साथ में भी, और अगर नहीं तो मैंने जिस तरीके से किया आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों वे फाइन है. अब मैं मिक्स कर लूंगी, हाथों से मिक्स कर लेना है. अच्छा, इस स्टेप में अगर आपने प्याज डालनी है तो आप प्याज भी डाल सकते हो, एक छूंदा प्याज करके, और इसको पूरी तरीके से मिक्स कर लीजिए और नमक चख लीजिए अभी इसी समय पर. और चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं. एक कढ़ाई के अंदर तेल डालिए अच्छे से, पूरी आधी कढ़ाई भर जाए उतनी तेल डालिए और अच्छे से गरम कीजिए, एकदम गरम हो जाए. फिर तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें इसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ. और ये देखिए मैं इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे जैसे हम बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं, ऐसे नवाला जो बनाते हैं, कैन जस्ट टेक इट लाइक दिस और इसे एक एक ड्रॉप कीजिए. ये देखिए फ्यू एट अ टाइम ड्रॉप करना है इसको, कोई प्रॉपर शेप नहीं होना चाहिए, इम्प्रॉपर शेप ही होना चाहिए, इनफैक्ट आपके उंगलियों के निशान दिख जाएंगे आपको इसके अंदर. और ये देखिए, अगर आप नए हैं तो आप एकदम से ज्यादा मत डाल दीजिए कि आप ना हैंडल कर पाए,
और अभी इसे मैं फास्ट कर दी हूँ और थोड़ा पकने देती हूँ। और अब मैं स्लो फास्ट टेक्निक करूंगी, क्योंकि मेरी पतीली जो है वो बहुत पतली है, सो उस हिसाब से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जल्दी गर्म होता है तो उससे अंदर की चीज जल्दी पकेगी नहीं और बाहर की चीज लाल जल्दी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं स्लो फास्ट की टेक्निक यूज करती हूँ मेरी ये कढ़ाई में। सो आप भी स्लो फास्ट की टेक्निक यूज कीजिएगा। अब मैं इसे पलट देती हूँ, चारों को पलट दीजिए और पकने दीजिए। जब तक ये कलर थोड़े से हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे पकने दीजिए दोनों साइड से। एकदम जलाइएगा मत, काले मत कीजिए, जलाइएगा मत। गोल्डन ब्राउन थोड़े और ज्यादा सुर्ख थोड़े और ज्यादा होने चाहिए। मैंने चूल्हा फास्ट पर ही रखा है, जब मैंने डाला था तभी मैंने स्लो किया था। रमजान के टाइम पे मुझे बहुत मैसेजेस मिलते हैं रिगार्डिंग ये रेसिपी के लिए कि उनके बहुत छूट जाते हैं एंड ऑल दैट। सो ऐसा होना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप लोग बहुत पतला वो कर देते हो, एज अ फाइन पेस्ट की तरह उसे आप ब्लेंड कर देते हो दाल को। तो हमें दाल को उतनी हद तक ब्लेंड नहीं करना है। मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्यू सेकेंड्स के लिए ही मैंने उसे ब्लेंड किया था दाल को, तो वो हिसाब से अब आप देख पा रहे हो मैंने कोई आटा नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, एक भी मेरा वो छूटा नहीं है। सो वो इसके लिए होता है क्योंकि पानी बहुत हो जाता है उसके अंदर तो छूट जाता है। तो इसके लिए आप संभालिएगा कि आप बहुत ज्यादा बारीक ना पीस लें। और अगर आपको इसमें हरी मिर्ची है वो तो आप एज पर आपके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा, जितनी डालनी है उतनी। आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो चुके हैं और मैं इसे बार बार एक दो जरा घुमा भी रही हूं तो थोड़ा सा दोनों बाजू पूरी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैं बस निकाल लेती हूं इन्हें। चलिए इसे अभी मैं निकाल लेती हूं और इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देती हूं। इस तरीके से आप सारा ड्रेन कर लीजिए। इसका जो तेल है ऑब्वियसली हमें तेल नितार लेना है, पूरा अच्छे से पूरी तरीके से तेल नितार लीजिए। और आप ये देख सकते होंगे मेरी दाल के वड़े, ये देखिए ये हो गए तैयार मूंग दाल के वड़े। बड़े ही क्रिस्पी हैं बाहर से और अंदर से सॉफ्ट हैं। तो ये था हरी मूंग की दाल के वड़े। चाय के टाइम पे बड़े ही लजीज लगते हैं एंड यू कैन सर्व इट विद एनी चटनीज। आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो और अच्छी लगती हो सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। सो फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।